Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of For Your Information hashtag FYI जहां आज हम नजर डालेंगे 9 मई के इतिहास पे। जी हाँ, 9th of May की हिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे और इसी डिस्कशन में बनी हुई है हिस्ट्री गुरु हमारे साथ, जिनके साथ हम करेंगे बात। तो लेट्स प्रोसीड विद द 9th मई हिस्ट्री एंड हियर कम्स द फर्स्ट इवेंट। 9th मई की बात अगर हम करें सो 1945 का ईयर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यस वी हैव वर्ल्ड वॉर टू कनेक्टेड विद इट। द सोसाइटी यूनियन मार्क द विक्ट्री डे, तो कहीं ना कहीं 9 मई 1945 एक जीत के दिन की बात, दिवस की बात यहाँ पे घोषणा करती हुई निकल के आती है वर्ल्ड वॉर टू से रिलेटेड कि सोसाइटी यूनियन ने मार्क किया था इस दिन को एज द विक्ट्री डे। आगे बात करेंगे बर्थडे सेक्शंस की कि किसके बर्थडे होते हैं 9 मई के दिन। तो यस, द फर्स्ट पर्सनालिटी विच वी हैव दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। तो हिस्ट्री गुरु से डेफिनेटली जानेंगे मैम 1866 में जन्मे 9 मई के ही दिन गोपाल कृष्ण गोखले, एक जाना माना चर्चित नाम है, पर इनके बारे में हम और क्या जान सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि गोपाल कृष्ण गोखले थे कौन। ये एक पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने जिनका एक बहुत बड़ा हाथ है हमारी आज़ादी में। तो इन्होंने किया क्या था, ये ही वॉज वन ऑफ द लीडर ऑफ द INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये जुड़े हुए थे। एज वेल एज इन्होंने दो न्यूज़पेपर भी लिखा था जो कि एक वीकली था और एक, अगर न्यूज़पेपर की बात करें जन्म प्रकाश, वो डेली न्यूज़पेपर थी। तो वीकली न्यूज़पेपर जो इनकी थी वो मराठा थी 1881 में, और जो डेली न्यूज़पेपर इनका था वो था जन्म प्रकाश। डेफिनेटली। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले डेथ इवेंट की तरफ कि किसका निधन हुआ था, किसका देहांत हुआ था। तो पर्सनालिटी विच वी हैव दैट इज एल्डो मोरो। 1978 वाज द ईयर, 9th मे वाज द डेट व्हेन ही डाइड। तो मैम एल्डो मोरो के बारे में आप क्या कहें। जी हाँ, अगर इनकी बात की जाए तो ये एक इटालियन प्राइम मिनिस्टर थे। फेमस, मतलब इनके बारे में जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये 5 टाइम्स लगातार इटली के इटालियन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। बाद में इनका मर्डर कर दिया गया, एक्चुअली ही वॉज असैसिनेटेड बाय मार्क्सिस्ट। तो मार्क्सिस्ट के द्वारा इनकी हत्या हुई थी, और इम्पोर्टेंट ये इसीलिए हो जाते हैं कि 5 बार ये प्रधानमंत्री रहे हैं इटली के। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन आंसर्स की बात हम करेंगे। FYI क्वेश्चन बैंक में नए 10 क्वेश्चन जोड़ने की बारी होती है, सो लेट्स प्रोसीड टू द फर्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इट इज। द सुल्तान घड़ी इज द मसोलियम ऑफ। सुल्तान घड़ी किसका मकबरा था। ऑप्शन ए बलबन, बी नसरुद्दीन मोहम्मद, या फिर सी कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर डी नान ऑफ दिस। सो यस, हियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी नसीरुद्दीन महमूद। तो सुल्तान घड़ी की अगर हम बात करें तो ये मकबरा था नसीरुद्दीन महमूद का। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज विजय स्तंभ सिचुएटेड। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, बी चित्तौड़गढ़, या फिर सी जयपुर, या फिर डी आगरा। सो हियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। तो मैम अगर विजय स्तंभ के बारे में आपसे जाने तो ये विजय स्तंभ क्यों बनाया गया था। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं ये एक राजपूत रूलर द्वारा बनाया गया था विजय स्तंभ, जो कि दिल्ली में इस्टैब्लिश है। ये इन्होंने अपनी विक्ट्री को मतलब दिखाते हुए ये विजय स्तंभ इन्होंने इस्टैब्लिश किया था। चलिए, तो दिल्ली में विजय स्तंभ की स्थापना हुई और विजय स्तंभ सिचुएटेड है दिल्ली में। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन थे। दशरथ मौर्य, बी देववर्मन मौर्य, या फिर सी बृहस्थ मौर्य, या फिर डी शतधन्वन मौर्य। तो डेफिनेटली आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बृहस्थ मौर्य का नाम आता है। दशरथ मौर्य, देववर्मन मौर्य, शतधन्वन मौर्य के नाम के अलावा अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आखिरी मौर्य वंश का सम्राट या लास्ट मौर्यन एम्परर की अगर बात की जाए तो बृहस्थ मौर्य ही उसका नाम है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट पास बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1919 ऑथराइज टू इम्प्रिजन एनी पर्सन सब्जेक्टेड ऑफ टेररिज्म विदाउट ट्रायल। ब्रिटिश शासन द्वारा 1919 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था जो सरकार को किसी व्यक्ति के ऊपर आतंकवाद से संबंधित संदेह होने पर बिना किसी सुनवाई के उसे जेल में डालने के लिए अधिकृत करता है। जी हाँ, ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या फिर सी रोल एक्ट, या फिर डी नन ऑफ दिस। सो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट उस एक्ट की जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था 1919 में, ये ऑथराइज करते हुए कि उस किसी भी इंसान को जो टेररिज्म का सस्पेक्ट पाया जाता है बिना किसी सुनवाई के आप उसको जेल में डाल सकते हैं। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रावलेट एक्ट। सो डेफिनेटली कई सारी हिस्ट्री की घटनाएं से जुड़ी हुई हैं जिनको डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे हिस्ट्री के सेशंस में ही। तो अभी बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के साथ, इन द पीरियड ऑफ विच वाइस रॉय व्हाइट म्यूटिंग अकर्ड। किस वाइस रॉय के काल में सफ़ेद विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, या फिर डी लॉर्ड मिंटो, या फिर डी लॉर्ड सॉरी सी लॉर्ड लिटन, या फिर डी लॉर्ड कैनिंग। सो हियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के काल में ही अगर हम व्हाइट म्यूटिंग की बात करते हैं या सफ़ेद विद्रोह की बात करते हैं तो वो घटित हुआ था। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुव्रत टर्म इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है।
ए महायाना बुद्धिस्ट रिलीजन, या फिर बी हिनायन बुद्धिस्ट रिलीजन, या फिर सी जैनिज्म, या फिर डी हिंदू रिलीजन। सो हियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जैनिज्म। जैनिज्म की बात यहाँ आती है, जैन धर्म की अगर बात आती है तो अनुव्रत शब्द इसी धर्म से संबंधित है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द अकाल तख्त वॉज बिल्ड बाय, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए गुरु नानक, या फिर गुरु हरि हरगोबिंद, या फिर सी गुरु रामदास, या फिर डी गुरु तेग बहादुर। सो हियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी गुरु हरगोबिंद। तो गुरु हरगोबिंद के द्वारा निर्माण किया गया था अकाल तख्त का। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉट वॉज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम इन द अर्ली वैदिक पीरियड, पूर्व वैदिक काल में समय को मापने के लिए विकास किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए गव्युति, बी गोधुली, सी शतमान, या फिर डी नष्का। सो हियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी गोधुली। तो गोधुली, जो गोधुली बेला होती है, डेफिनेटली एक टाइम समय का यहाँ पे एक हमें आसार पता चलता है। तो पूर्व वैदिक काल में समय को मापने के लिए गोधुली का समय निर्धारित था या उसको यूज किया जाता था। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड फ्रॉम रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे? रेडियो क्लब बॉम्बे रेडियो क्लब से भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1920, बी 1923, सी 1924, या फिर डी 1925। सो डेफिनेटली हियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 1923। तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई थी रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से 1923 में। लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन। हु रिकमेंडेड द रेयोतवारी सिस्टम? किसने रेयोतवारी पद्धति की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए जॉन शोर, बी चार्ल्स रीड, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर डी जॉन फ्रांसिस। सो जी हाँ, इज द राइट आंसर डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स रीड। तो चार्ल्स रीड के समय में रेयोतवारी पद्धति की सिफारिश की गई थी या रिकमेंडेशन निकल के आया था। तो हिस्ट्री गुरु से हम पूछे कि मैम ये एक्चुअली रेयोतवारी सिस्टम था क्या? ये एक्चुअली एक रेवेन्यू सिस्टम था। ये सारे सिस्टम्स जो थे, ये लैंड को एक्चुअली बांटा गया था। किस तरीके से ये जमींदारों ने ये ये इसका पूरा कंट्रोल जमींदारी सिस्टम पे हम लोग देख सकते हैं, राइट वाली सिस्टम या फिर जमींदारी सिस्टम। तो ये जो प्लान था चार्ल्स रीड के द्वारा लाया गया था, और ये सारे एक तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे। डेफिनेटली, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम से जुड़ा हुआ एक ये रेवेन्यू सिस्टम जिस पे हमने सिफारिश की बात की। तो चार्ल्स रीड आंसर के साथ ही वील एंड अप दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कमेंट करके बिल्कुल हमें बताइए ताकि हम इसको और इम्प्रोवाइज कर सकें। एंड यस, डू शेयर दिस लिंक टू गेट मोर एंड मोर अवेयरनेस ऑफ ईच एंड एवरीबॉडी ऑफ ईच एंड एवरी डे। न्यू व्यूवर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द ईजी एक्सेस ऑफ ऑल अपकमिंग वीडियोज इन द कमिंग फ्यूचर। महिंद्रा गुरु के चैनल पे फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। डू नॉट फॉरगेट, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।